हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज़ वनीश सिंह, वर्क सेफ्टी ऑफिसर। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वेब स्लिंग का कलर कोडिंग, मतलब कलर कोड से आइडेंटिफाई करके हम लोग वेब स्लिंग कितना टन का है बोल के पता करने का एक आसानी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखो, जो एक टन, दो टन या तीन टन का हो गया, जब पाँच टन का हो गया हमारा, चार टन का, छः टन का, आठ दस टन का, ये टाइप का वेब स्लिंग से जनरली हम लोग को मार्केट में अवेलेबिलिटी रहता। तो इसको हम लोग कलर कोडिंग से हम लोग कैसा पता करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हर कलर कोडिंग के हिसाब से हम कर सकते हैं, बट कलर कोडिंग में हमको ये भी हो सकता है कि कन्फ्यूजन, मतलब कि जैसा ज़्यादा करके हम लोग तीन टन का यूज़ करते हैं, पाँच टन का, दस टन का यूज़ करते रहते हैं। तो देखो, ये कलर कोडिंग पता होना बहुत ज़रूरी है एज ए रिगर या क्रेन ऑपरेटर जो भी है। तो इसमें और एक आसानी तरीका जो है वो कि उसमें डॉट्स लाइन होते हैं ब्लैक कलर में, तो उसके हिसाब से हम लोग और ईजी आसानी तरीक़ा से वो कितना टन का कैपेसिटी है बोल के हम ईजी सी कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक कलर हो, चाहे येलो कलर हो, जो भी हो। जैसे कि इसमें एक एक डॉट का मान लो एक टन का कैपेसिटी है, यहाँ पे तीन डॉट दिखाया मतलब तीन टन का येलो कलर भी है। देखो यहाँ पे जो है ये है कि जो वर्कलोड लिमिट है, जो वर्कलोड लिमिट उसमें सीधा लिखा रहता, टैग रहता, तो वो टैग का मुताबिक हम लोग को पता होना चाहिए कि ये अगर वर्टिकल पोजिशन में है तो हम लोग को कितना लेता है। यहाँ पे जो दिखाया, देखो आपको जो वर्टिकल पोजिशन में है तो वो ले रहा है आपको पाँच टन, वही जो चौकर में अगर डालेंगे तो उसका क्या है, एक टन का कम हो गया, मतलब कि चार टन हो गया, 0.8 या उससे गुणा करो तो ऑटोमेटिक से उसका वेट आपको पता चलता। तो यही है इजी आसानी तरीका, आप पता करो। एक यूट्यूबर ने मेरे को बताया था कि एक वीडियो आप बनाए थे उसमें कुछ साउंड नहीं था, तो उसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर रियल में मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।